हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉर्ड इन्वर्ट कैसे करते हैं, कॉर्ड इन्वर्जन किस तरह आप यूज़ कर सकते हो जो अपनी कॉर्ड्स को स्मूथ वे में, जो ट्रांजिशन उसमें आती है बीच में, बढ़िया से स्मूथ वे में म्यूजिकल तरीके से वो प्ले हो, किस तरह से कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में म्यूजिक थ्योरी का लेसन 6 है, तो इस वीडियो में क्लियर हम करने वाले हैं कॉर्ड इन्वर्जन किस तरह करें, किस तरह से होता है। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी स्केल ले सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में सारा कुछ बता दिया, स्केल कैसे फाइंड आउट करते हैं और कॉर्ड कैसे बनती है, मेजर में कितनी कॉर्ड आती है, माइनर में कितनी कॉर्ड बनती है, सारा कुछ बता दिया। तो मैंने पिक सिंपल सी एक यहाँ पर माइनर स्केल यहाँ पर चूज कर दिया, ठीक है, ए माइनर। तो सबसे पहले कॉर्ड क्या होता है, स्किप नोट, स्किप नोट। बाकी मैंने फार्मूला बता दिया था, माइनर का फार्मूला क्या होता है, पहला नोट रखा सा, मान लिया इसको ए को, और उसके बाद दो नोट छोड़े तीसरे पे रखा, फिर तीन नोट छोड़े चौथे पे रखा, एक दो तीन नोट छोड़ के चौथे पे, ये बन गई अपनी माइनर कॉर्ड। अगर इसी को मेजर बनाना तो ये सेकंड वाली है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऊपर तीन नोट नोट का गैप है ना, अगर माइनर में तो नीचे दो नोट का, तो मेजर में क्या होगा, तीन, सॉरी ये स्नैप टू स्केल, तो तीन नोट का नीचे आ जाएगा, दो का ऊपर, ये मेजर होगी, ठीक है। मैं माइनर रखता हूँ फिलहाल। अब कॉर्ड इन्वर्जन की बात करते हैं, इन्वर्ट कैसे कर सकते हो कॉर्ड, कॉर्ड इन्वर्जन क्या है, ठीक है। तो ये अगर आप पहला नोट इस तरह इन्वर्ट करते हो ऊपर की ओर, तो क्या होगा, फर्स्ट इन्वर्जन बोलते हैं इसको, ठीक है। उल्टा कर देना, ऊपर नीचे करना ना नोट, इसको इन्वर्ट करना है। तो पहला नोट ऊपर की ओर इन्वर्ट किया तो इसको बोलते हैं फर्स्ट इन्वर्जन, ठीक है। अगर दूसरा नोट ऊपर की ओर इन्वर्ट किया तो पोजिशन तो सेम ही रहेगी, पर ये वॉइसिंग थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब वॉइसिंग टाइप इसकी होगी, ठीक है। ये देखो ऊपर की ओर इन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसको नीचे की ओर इन्वर्ट करूँ तो ये सेकंड इन्वर्जन है, डाउन इन्वर्जन हो गया नेगेटिव की ओर, पर नोट वही रहे जो इसी स्केल के अंदर थे, सॉरी कॉर्ड के अंदर थे, नोट वही है पर इसकी पोजीशन चेंज कर दी है, ठीक है। पोजीशन चेंज करने का मतलब इन्वर्ट करना, ठीक है, साउंड वैसा ही करेगा, ठीक है। और ये हो गया थर्ड इन्वर्ट। थर्ड इन्वर्ट को क्या करोगे, ऊपर से अगर नीचे की ओर ले जाओगे, ये होगा थर्ड इन्वर्जन, कॉर्ड वही की वही रहेगी पर पोजीशन चेंज होगी, साउंड चेंज होगी। तो क्लियर इन्वर्ट किस तरह करना है कॉर्ड को, ठीक है। फर्स्ट नीचे वाला इन्वर्ट करोगे तो फर्स्ट इन्वर्जन हुआ, सेकंड करोगे तो सेकंड थर्ड इन्वर्जन हुआ, ठीक है। तो इसको इन्वर्ट क्यों किया जाता है, किस तरह किया जाता है, तो इसके ऊपर अब मैं यहाँ पर डिटेल में बताता हूँ आपको, ठीक है। ये पहली कॉर्ड अपनी कंट्रोल बी, इस तरह से चार मैं इसको बना दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, चार कॉर्ड यहाँ पर प्ले करूँगा, एक सिंपल सी कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाता हूँ, फिर इन्वर्ट किस तरह करना मैं बताता हूँ। पहली कॉर्ड हमारी ए माइनर, दूसरी आपने रख ली इस तरह से, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस तरह से प्ले की आपने, तीसरी इस तरह से प्ले कर दी और चौथी इस तरह से प्ले कर दी, ये होगी अपनी चार कॉर्ड आपने इस तरह से प्ले करी। तो अब इसको सुनते एक बार किस तरह साउंड कर रहा है, नहीं आ रहा ना, ठीक है, अजीब सा साउंड कर रहा है, कोई पतली साउंड कर रही है, कहीं मोटी आवाज़ आ रही है, कहीं पतली मिक्स साउंड आ रही है, कहीं ज़्यादा ही पतली आ रही है, बहुत ही ऊपर नीचे आएगा डिफरेंस। इसी के लिए आप किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हो कॉर्ड इन्वर्ट करके, ताकि ये म्यूजिकली साउंड करे, ऐसा नहीं करे कि एक कॉर्ड पतली साउंड करिए, एक मोटी साउंड करिए, जैसे यहाँ पर करिए। तो यहाँ पर मैं कॉर्ड इन्वर्ट का सहारा लूँगा ताकि वो सेम उसी साउंड में रहे, जैसे मिड ऑक्टेव में प्ले करे तो मिडी में वो सुनाई दे, ऐसा नहीं कि कोई नोट हाई में सुनाई दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बहुत ही ज़्यादा नीचे नोट है, यहाँ पर क्या करूँगा, नीचे वाला नोट करके इन्वर्ट करूँगा मैं, फर्स्ट नोट उसको है, फर्स्ट इन्वर्ट करूँगा इसको इस तरह से। अब सुनते हैं, तो देखो स्मूथ यहां पर सुनाई दे रही है कॉर्ड, अगर मैं वापस सुनाऊं तो काफी ये मोटा साउंड कर रहा था, इन्वर्ट करके पतला कर दिया, ठीक है। म्यूजिकली साउंड करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए एक कॉर्ड ऊपर बज रही है एक नीचे, तो यहां देखो बहुत ही ऊपर पतली साउंड कर रही है। तो क्या करूंगा मैं, पहला ऊपर वाला थर्ड को इन्वर्ट करूंगा डाउन के लिए, ठीक है, नेगेटिव के लिए, ये इन्वर्ट कर दिया मैंने डाउन के लिए। अब सुनते हैं, ठीक है, फिर भी सही सुनाई दे रहा, उतना सही नहीं सुनाई रहा। आप क्या कर सकते हो, सेकंड को भी इन्वर्ट करके नीचे ले आ सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो एक बार फिर से दिखा लेता हूँ आपको, थर्ड इन्वर्ट किया पहले मैंने नीचे की ओर नेगेटिव, ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, जो दूसरा नोट था कॉर्ड में उसको भी मैंने इन्वर्ट कर दिया नीचे, सिर्फ पोजिशन चेंज हुई है, उसकी साउंड चेंज होगी पर कॉर्ड वही रहेगी, इसको इन्वर्जन बोलते हैं। अब समझ आ गया ना, अब देखो स्मूथ वे में किस तरह से ये कॉर्ड साउंड करेगी,
ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, आप अपने हिसाब से कॉर्ड बना सकते हो। ठीक है, फिर एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, कोई भी कॉर्ड लेता हूँ, पहली कॉर्ड, दूसरी कॉर्ड, तीसरी कॉर्ड, चौथी कॉर्ड। ठीक है, ठीक है, इस तरह से कॉर्ड बना ली, आपको देख रहा है पहली तो सही लग रही है आपको। ठीक है, फर्स्ट में भी आप इन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है फर्स्ट में नहीं करना है, तो आपको लग रहा है कि ये सही है, अब मेरी सेकंड इन्वर्ट करना है, तो सेकंड कॉर्ड हमने इन्वर्ट करनी है, काफ़ी डाउन सुनाई दे रही, बहुत ही नीचे ऑक्टेव हो गया, तो यहाँ से मैं फर्स्ट इन्वर्ट करूँगा और यहाँ से क्या करूँगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों को इन्वर्ट करूँगा, क्योंकि काफ़ी डाउन, यहाँ यहाँ से यहाँ कितना गैप आ गया इसमें, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आएगा, ये बहुत ही पतली सुनाई दे रही है, मिड में सुनाई दे रही है और बहुत ही लो ऑक्टेव में, तो दोनों को मैं इन्वर्ट करूँगा, फर्स्ट और सेकंड इन्वर्जन दोनों को। अब देखो, और यहाँ पर पहली कॉर्ड को इन्वर्ट करूँगा, सॉरी पहले नोट को इन्वर्ट करूँगा, अब देखो कितना स्मूथली आपकी कॉर्ड साउंड करेंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं म्यूजिकली साउंड कराना। ठीक है, इस तरह से आप इसमें इन्वर्जन आपको पता लग गया किस तरह से इन्वर्ट कर सकते हो। ये था म्यूजिक थ्योरी का लेसन 6, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है, आजकल आप कमेंट नहीं कर रहे हो, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है आगे आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लाने के लिए। तो ये इस तरह का था कॉर्ड इन्वर्जन, आपको कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ और चीज़ें, किस तरह कॉर्ड वगैरह बनती है, तो स्टे ट्यून, नेक्स्ट लेसन बहुत ही जल्दी आएगा म्यूजिक थ्योरी का, जिनको जिनका हाथ कच्चा है म्यूजिक थ्योरी में, म्यूजिक थ्योरी में कभी कभी मेरी जीभ लड़खड़ा जाती, जिनका हाथ कच्चा है उनके लिए बहुत ही आपके सही तरीके से, मतलब ये सारी इन्वर्जन होगा ना म्यूजिक तरीके से, जो भी मैंने बताया उस तरह से आपका जो सारा चीज़ है वो सही तरीके से आपका नेक्स्ट टाइम से साउंड करेगी अपनी कॉर्ड्स वगैरह। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट टाइम अब जाके प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट टाइम के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हैक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।